नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा खविया। पार्टी अपनी और अपनों से ही कला, कांग्रेस में शायद कुछ ऐसा ही चल रहा है। तभी तो पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव अब अपनों पर ही निशाना साध रहे हैं। स्पेशल एट 11 में आज बात कांग्रेस में बढ़ते कलेश की करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई इन कंट्रोवर्सी को लेकर कैप्टन अजय यादव ने किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही नेताओं पर निशाना साध दिया है। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय यादव ने कहा कि साल 2005 में उनसे एक गलती हो गई थी। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए ये जानते हैं कि आखिरकार कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा और उनसे गलती क्या हुई थी। कांग्रेस में बढ़ता कलेश, अपनों से मनभेद मतभेद जारी, हुड्डा पर भड़के कैप्टन अजय यादव, 2005 में हुई गलती, बचाव में उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। 10 साल तक हरियाणा की कुर्सी पर राज करने के बाद अब इसी हरियाणा की धरती पर अपना अस्तित्व तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस में अपने नेताओं के एक दूसरे से मनभेद इतने बढ़ चुके हैं कि शायद अस्तित्व तलाशने की लड़ाई में भी कांग्रेस मजबूती से उठ नहीं पा रही है। सरकार की कार्यप्रणाली तो दूर, कांग्रेस के नेताओं को अपनों पर ही बयानबाजी करने से फुर्सत नहीं है। कैप्टन अजय यादव पहले तो पूर्व सीएम हुड्डा पर जमकर बरसे। और भी 2005 में भाई एक गलती कर दी थी मैंने, हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया भाई, उसके लिए पछतावा मेरे को आज भी है। और 2009 में मुझे गुमराह कर दिया और मुझे ये नहीं बताया कि तेरा नाम भी मुख्यमंत्री की पैनल में है, नहीं तो मैं इसका नाम कभी जिंदगी में लेता। फिर बची कुछ कसर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा पर निकाली और सीधे तौर पर राज्यसभा चुनाव में हुई कंट्रोवर्सी का दोषी पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को ठहरा दिया। और यहाँ ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा के वोट में खाली पर्चा छोड़ के आते हैं, अरे उससे बुरा और क्या कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को सेक्रेटरी बनाया, उसको प्रमोशन दिया, पहले डिप्टी सेक्रेटरी बनाया, उसके डिवीजन है क्लास 3 डिवीजन, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया, उसके बाद सेक्रेटरी बना दिया। किसने बनाया? कुलदीप शर्मा हमारे जो अध्यक्ष था, और उसका लगाया आदमी बीजेपी से मिलके और हमारे विधायकों की कलम बदल दे, अरे लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। कैप्टन अजय यादव के बयान कांग्रेस की छवि पर कई सवाल उठा रहे हैं। क्या इन कंट्रोवर्सी में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे? राज्यसभा चुनाव में खाली पर्चा किसने छोड़ा? कब तक कांग्रेस में कलेश चलता रहेगा? आपसी मतभेदों से कब ऊपर उठेगी कांग्रेस? कौन लोग पार्टी को अपनी जेब में रखना चाहते हैं? हालांकि इसी मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और जैसे तैसे अपनी पार्टी का बचाव किया। कैप्टन अजय यादव के बयानों में उनके सीएम न बन पाने का दर्द साफ झलक रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के इस तरह के आपसी मतभेद आने वाले दिनों में जरूर बड़ी परेशानी बन सकते हैं। पटौदी से निर्मल चौहान की रिपोर्ट। तो अपनों पर ही किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, ये कांग्रेस की पुरानी रीत सी लग रही है। क्योंकि खासकर हम हरियाणा कांग्रेस की बात की रहा है तो यहाँ पर गुटबाजी खेमेबाजी लगातार इसको लेकर निशाने भी साधे गए और काफी हद तक हावी भी नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कब तक अपनों पर ही इस तरह से निशाना साधा जाएगा। और जिस इन कंट्रोवर्सी की ये बात करते हुए नजर आए, वाकई में क्या इन कंट्रोवर्सी में कांग्रेस का ही हाथ था? ये कई सवाल हैं जो खुद अपने ही उठा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मुकेश जी, सुना आपने किस तरह से अपनों पर ही निशाना साधा गया और कांग्रेस ये करती आ रही है, पिछले कुछ एक दिनों से हम देख रहे हैं ये सब हो रहा है। लेकिन कमलनाथ को जब कमान दी जाती है तो ये सोचा जाता है कि अब शायद इस पर कंट्रोल लगेगा, लेकिन वो सब कुछ अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। हरियाणा में कांग्रेस का यही इतिहास रहा है।
समय समय पर जब भी कांग्रेस विपक्ष में होती है तो आपस में जो भी मुख्यमंत्री की चाह रखते हैं या जो भी प्रमुख नेता हैं उनमें जो गुटबाजी है उसका प्रचलन वर्षों से है जी। तो वही चीजें इतिहास दोहराया जा रहा है, वही परिस्थिति दोबारा बन गई है। और चूंकि गुटबाजी है और गुटबाजी खुले में सबके सामने आ चुकी है तो इससे पहले भी चाहे वो भजन लाल का राज रहा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में चौधरी बंसीलाल का राज रहा हो, समय समय पर इस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में रही है। मुकेश जी, लेकिन इस पर लगाम लगाने की कोशिश भी की गई, जब कमलनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई तो यही सोचा गया, उन्होंने खुद क्लास लगाई कांग्रेस के नेताओं की, कहा कि इनकी चर्बी को कम किया जाएगा, बहुत सारे इसको लेकर भी बाद में बातचीत की गई, लेकिन आपको उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिये, चूंकि अभी कमलनाथ ने अभी यहाँ पर चार्ज लिया है और एक मीटिंग इस प्रकार की ली है तो आप अभी तुरंत तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि तुरंत विरोधी वक्तव्य आ गए एक दूसरे के, तो आप मानकर चलिए कि उन्हें अगर आप 2-3 महीने का समय उन्हें मिल जाएगा तो शायद कुछ थोड़ा बहुत परिस्थितियां बदलने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मुकेश जी कि जिस इन कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर ये पूरा विवाद पैदा हो रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस के नेताओं की उसमें काफी अहम भूमिका रही है? क्योंकि ये सवालों के घेरे में हालांकि जांच भी इसको लेकर चल रही है, लेकिन जब अपने ही निशाना साध रहे हैं, वो खुद कुलदीप शर्मा पर निशाना साध रहे हैं, तो सवाल भी खड़े होते हैं और छवि पर भी काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से कांग्रेस में गुटबाजी रही है, जिस समय चौधरी भजनलाल के नाम पर वोट मिले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद भजनलाल हुड्डा दो ग्रुप काम करते रहे, बाद में भजनलाल कांग्रेस छोड़ गए, फिर कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीरेंद्र सिंह अलग अलग खेमे में बटे रहे, अब विपक्ष में की भूमिका में कांग्रेस है तो अजय यादव विपक्ष की अलग ही भाषा बोल रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज है ये कांग्रेस की संस्कृति का अंग है। पहले भी गुटबाजी रही है, अब भी गुटबाजी है, तो जो कमलनाथ आए हैं अगर वो अनुशासन का पाठ पढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, ठीक, तो इसलिए इस मामले किस तरह के मामलों पर अभी ढील बरती जा रही है। चलिए, संपत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। संपत सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? संपत सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। संपत सिंह जी, जो कांग्रेस में कलेश है, मतभेद है, वो आखिरकार खत्म कब होगा? क्यों ऐसा होता है कि खुद आप ही के मंत्री, खुद कैप्टन अजय सिंह यादव ये कह देते हैं कि कई मसले खड़े हो रहे हैं, कुलदीप शर्मा पर वो निशाना साध देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर वो निशाना साध देते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाएगा इन सब चीजों को? व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत बातें अलग हैं, पार्टी नहीं, वो पार्टी लाइन से हटकर हैं, जो व्यक्तिगत बात करेंगे किसी मन से, सुन लो प्लीज, आप सुन ले, उसके बाद कोई क्वेश्चन करना हो जरूर करें, मोस्ट वेलकम। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री बनाकर गलती किया, हम तो ये सुनते आ रहे हैं, हमें यहाँ तक ही मालूम है कि मुख्यमंत्री बनाती है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बनाते हैं, और एमएलए बनाते हैं, एमएलए की राय लेकर वो बनाते हैं, ना तो कोई कैप्टन अजय सिंह यादव अकेला बना सकता, ना संपत सिंह बना सकता, ना हुड्डा साहब बना सकते हैं, ये बातों में कोई औचित्य नहीं है। आज के कहना उनकी वजारत में 10 साल तक मंत्री रहे, और मंत्री रहकर जो है ना सारी चीजें, सुख सुविधाएं जितनी होती है या अपने इलाके में जो विकास का काम होता है सारी चीजें करवाई, और आप ये कहना कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी पार्टी हाईकमांड ने इस बात का नोटिस ले रखा है, और इस बार जो है कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि किसी तौर पर जो है डिसिप्लिन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक कांग्रेस में है कि डेमोक्रेसी है, यहाँ लोग अपने व्यक्तिगत विचार रखते रहते हैं, पार्टी के बारे में सबकी एक ही सोच है, पार्टी के बारे में कोई डिफरेंट सोच नहीं है, स्टेट के लीडर जो है अपना अपना तो अपने अपने विचार वो रख सकते हैं, चाहे उससे नुकसान पार्टी को हो जाए एट द डे, लेकिन वो अपने तो ये व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत बातें बोल रहा है, व्यक्तिगत बातें हैं, ठीक, वो अपनी व्यक्तिगत बातें रख सकते हैं, बातें हैं लंबी चौड़ी, पार्टी की बातें नहीं है, पार्टी एक मत है, हर जगह आप देखते हो कभी भी जब लीडरशिप का चुनाव होता है कोई डिस्प्यूट नहीं होता कांग्रेस के अंदर, कहीं डिस्प्यूट होता है नहीं होता, यही हम जानते हैं। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। वीर कुमार यादव जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? जी। वीर कुमार यादव जी, कांग्रेस में कोई डिस्प्यूट नहीं है ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन बयान आपके सामने हैं, किस तरह से एक दूसरे पर अपने ही निशाना साध देते हैं, वो गुटबाजी, वो खेमेबाजी लगातार कांग्रेस पर हावी रही है।
वैसे तो अब ये कांग्रेस पार्टी का एक्सक्लूसिव अंदरूनी मामला है, उनकी अपनी राजनीतिक है, उनका अपना सिस्टम है ये। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने पिछले चुनाव में जिस प्रकार से संकेत दिया, यानी शुरू में पिछले शुरू के अंदर 60-40 पर और फिर 40-15 सीटों पर कांग्रेस आकर सिमटी, तो लोकतंत्र में ये जो है एक संकेत होता है और उसमें उनको समझना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो कमलनाथ जी आए थे वो उनके प्रभारी हैं जी। और कोई भी प्रदेश का प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधि होता है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तो पकड़ नहीं है या केंद्रीय नेतृत्व सक्षम नहीं है कि इन पर इस प्रकार का अनुशासनात्मक कोई चीज की जाए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनके अंदरूनी जो मामला है वो केंद्रीय नेतृत्व को सुलटाना चाहिए। प्रभारी को दिशा निर्देश दिए अभी चंडीगढ़ में, अभी जुमे 4 दिन ही हुए हैं और उसके बाद भी बयानबाजी इनकी है। मैं समझता हूँ कि ये इनका आपसी मामला है, अब ये कब सुलटेगा कैसे सुलटेगा निश्चित तौर पर होगा उनको। लेकिन वीर कुमार यादव जी, जो इन कंट्रोवर्सी को लेकर कैप्टन साहब ने कहा है कि कुलदीप शर्मा ने ऐसा किया है, अपनों पर निशाना साधा जा रहा है, क्या कांग्रेस की छवि पर इससे असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए सताई है ये तो सबको पता है कि ये सारा एपिसोड हुआ है, ये प्रतिपक्ष के द्वारा हुआ है, उनकी जानकारी में नॉलेज में हुआ है, वो करने वाले को है। अब खाली पेपर छोड़ के आना, इसमें तो इन कंट्रोवर्सी भी नहीं है, नॉइंगली किया है। मैं समझता हूं कि ये उनका एक इस प्रकार की अंतरात्मा थी कि वो नापाक गठबंधन को स्वीकार नहीं कर सकते थे, ना वो कर सकते थे ना वो कर सकते थे। हाईकमांड ने दबाव दिया, उसके बावजूद भी जो लोकल यूनिट है वो दोनों ही नहीं मान सकती, और ये हमें भी लग रहा था कि किस प्रकार से सहमति हो गई, इन्हें लोग कैंडिडेट खड़ा कर कांग्रेस समर्थन कर दे, ये बातें हमें भी हजम नहीं हो रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं ये इनकी अपनी सहमति से हुआ है और अपनी सहमति से हुआ है, इसलिए अपने ही विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। प्रोफेसर संपत सिंह जी, क्या कांग्रेस की छवि इससे धूमिल नहीं होगी जहां पर इन कंट्रोवर्सी के लिए खुद अपने ही नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है? मुझे नहीं मालूम नहीं था कि पार्टी में वीर कुमार जी बहुत सीनियर आदमी बीजेपी, इन चीजों को छोड़ेंगे, कंट्रोवर्शियल चीजों को छेड़ेंगे, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे भी उन बातों को छेड़ना पड़ेगा। नंबर एक तो ये चलते चलते आरोप लगा गए कि पीछे वोटिंग राज्यसभा के बारे में कह गए कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है, क्यों, कौन कर सकता है, कलम कौन बदल सकता है। एक ही बात है कि सिर्फ कलम बदलने की बात है, कलम कौन बदल सकता है। बाकायदा सेक्रेटेरिएट जो है उसमें अंदर सेक्रेटरी है, उसको आरओ बनाया हुआ था और वो स्पीकर के नीचे और मुख्यमंत्री के नीचे काम करते हैं, तो अगर बदली है तो वो उन्होंने ही बदली है और वो चार्ज जो है उन्हीं पर लगता है और कांग्रेस के साथ नहीं, डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जैसे प्लीज आप उनकी बातें सुनिए, मेरी ना सुनिए, क्यों मिलाया आपने मेरे से, बोलिए, चलिए मेरी बात कहिए। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, आप उनकी बात तो 5 मिनट भी सुन ली, मेरी सुनना ही पसंद नहीं करते आप। नहीं सुन रहे हैं हम आपकी, उसके बाद अगर आपको सरकार की सुननी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वीर कुमार जी से मुझे तो। लेकिन ये कोई बात थोड़ी है आपकी, ठीक है क्या? मैं कह रहा हूँ दोष इन्हीं पर है, वो मंडगे हमारे पर दोष, मंडगे खाम खाए, उन्हीं का अपना दोष है, सरकार का दोष है, सरकार की मशीनरी थी, सरकार की पेन थी, सरकार की लिटरेचर था, जो कुछ भी था, जो बदला है उन लोगों ने बदला है, एक धोखा किया, डेमोक्रेसी के साथ धोखा किया, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा नहीं है। जहां तक वो खाली छोड़ के आने वाली बात है, खाली छोड़ के आए, वो हुड्डा साहब से ने सोनिया गांधी से बात की थी कि मेरे एमएलए सारे डालेंगे, मैं खाली छोड़ के आऊंगा, और उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया था। तो ये कौन होते हैं, हमारी पार्टी का फैसला था इसलिए खाली छोड़ गया, वो एडमिट करेंगे यस मैं खाली छोड़ गया, मेरे हाईकमांड से बात हो गई थी और उन्होंने कह दिया कि ठीक है सब डाल देंगे आपके आदमी, आप चाहे ना डालना, बात खत्म हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कह दिया ग्रुपबाजी की बात है, ग्रुपबाजी जो आज बीजेपी के अंदर है, क्या कमांड कर रहे हैं, क्या मोदी जी कर रहे हैं, क्या अमित शाह कर रहे हैं, रोजाना मंत्री लड़ रहे हैं आपस में, बयानबाजी जारी हो रही है, ट्वीट बार चल रहा है इनका। ठीक ठीक, आप कह रहे हैं कि उनके में चल रही है गुटबाजी, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह जी सवाल कई उठ रहे हैं, ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं तो खुद कैप्टन साहब क्यों आरोप लगा रहे हैं, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि इन कंट्रोवर्सी में कुलदीप शर्मा का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटीएक्स बार अंडे, इल्ली और व्यस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनु का मोल्टार ही मांगे। hmm.
वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं कांग्रेस में बढ़ते कलेश की, जहां इस कलेश को कंट्रोल में करने की काफी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कलेश थमने का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों अपनों पर ही निशाना साध दिया जाता है? क्यों अपनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? क्यों खुद हर चीज का जिम्मेदार उनको ही ठहरा दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है? आखिरकार इस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस कैसे सुधारेगी? मुकेश जी, आपने सुना कि किस तरह से कहा गया, सारी बयानबाजी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मानने को कोई तैयार नहीं होता। कहता है कि ये व्यक्तिगत उनके निजी बातचीत है, वो अपने पर्सनल लेवल पर ये सब कह रहे हैं, लेकिन क्या इससे कांग्रेस की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? क्या आप किसी भी मंच पर पब्लिक डोमेन में जाकर ये सब कह सकते हैं? देखिए, जो कैप्टन अजय यादव ने कहा, यह एक राजनीतिक बयान है और इस प्रकार का बयान देने का उद्देश्य, मेरा अपना ख्याल है, एक विशेष वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण करना। एक विशेष वर्ग के वोट हैं जो आकर्षित होते हैं इस तरह के उनके बयान देने से। जी। दूसरा, कांग्रेस की इस प्रकार की संस्कृति भी रही है कि जब तक कांग्रेस को थोड़ा सा उसका नेता आंख ना दिखाए, तब तक उसे ठीक प्रकार से गंभीरता से लिया नहीं जाता है। तो कैप्टन अजय यादव ने इस तरह का के संकेत समय कांग्रेस को भी यह संदेश दे दिया है कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए आने वाली राजनीति के लिए। तो जिस प्रकार से वो, जिस सूझबूझ के साथ वो अपने राजनीतिक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे संभावना है कि दक्षिण हरियाणा में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उनकी उनको लेकर रहेंगे। इसी प्रकार से मैं बात पूरी कर देता हूँ। इसी प्रकार से जैसा कि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कहा, उनकी बात ठीक है कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाते हैं वो सोनिया गांधी बनाती हैं, राहुल गांधी बनाते हैं, कैप्टन अजय यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो इसलिए उनकी बात का कोई औचित्य नहीं है। इस बात में उनकी, संपत सिंह जी की बात में दम है।
जी आप कहिए, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ अपनी सियासी जमीन तलाश करने वाली बात हो गई कि अपने वोट बैंक को तैयार कीजिए, उसके बाद बेशक इससे पार्टी को नुकसान हो, उस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर कुमार यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो यादव जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वीर कुमार यादव जी, कांग्रेस कह रही है कि उसको ये कोई भी डैमेज की बात नहीं है क्योंकि ये व्यक्तिगत बयान है, अगर कोई पब्लिक डोमेन पे इस तरह की बात करता है, आपको लगता है वाकई में कुछ असर नहीं पड़ेगा पार्टी को और ये सिर्फ व्यक्तिगत बातें बनकर ही रह जाएंगी, या अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अजय यादव? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय संपत सिंह जी को ड्यू रिगार्डिंग बात बताऊं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे संपत सिंह जी भी एडवोकेट है और आर के आनंद जी भी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। एट द टाइम ऑफ वोटिंग उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्शन नहीं किया, एट द टाइम ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑब्जेक्शन नहीं किया। और बाहर आते ही शायद श्री संपत सिंह जी को याद होगा, आनंद ने कहा, पहला बयान, पहली प्रतिक्रिया थी कि ये हुड्डा साहब की साजिश थी। उस आधार पर मैंने ये कहा, रही सहमति की जो मैंने बताया कि वो जो साफ पत्र छोड़कर आए, वो सोनिया जी की सहमति, यही मैं आज भी मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए रही बात दोषारोपण की, अब इन कंट्रोवर्सी कैसे हुई, किसने की, क्योंकि ये ज्यादा हमारे कैप्टन अजय यादव बता सकते हैं, आरोप वो लगा रहे हैं, डिस्क्लोजर वो कर रहे हैं। तो उनका कुलदीप शर्मा जी के अपॉइंटेड व्यक्ति हैं, कुलदीप शर्मा जी ने उनको प्रमोट किया, तो कहीं ना कहीं उनके तार किससे जुड़े हुए हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया तो उस आधार पर तो स्पष्टीकरण वो भी दे सकते हैं। ठीक, गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके बाद अपनों पर ही इस तरह के एलिगेशन बार बार लगाए जा रहे हैं। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं। अरविंद भारद्वाज जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार। अरविंद भारद्वाज जी, आप क्या वजह मानते हैं, मुख्य कारण क्या मानते हैं कि अपनों पर ही कांग्रेस अक्सर निशाना साध देती है, इन कंट्रोवर्सी होती है और दोषी ठहरा दिया जाता है कुलदीप शर्मा को, वो भी कैप्टन अजय यादव द्वारा? नहीं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। ये अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ इनका नेतृत्व पूरी तरह से बिखर चुका है, इसीलिए मजबूरन ये जैसे एक गुटों में बटी हुई है आज कांग्रेस का, और वो एक हर गुट एक दूसरे गुट को स्वीकार करने से मना कर रहा है। और यही वजह है कि इसका फायदा उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठजोड़ करते हुए अपनी वोटें खराब कराई और आर के आनंद, जिस वजह से आर के आनंद जी चुनाव नहीं जीत पाए। तो आज जिस तरह से खुलकर ये गुटबाजी इनकी सामने आई, पीछे जबकि इनके प्रभारी ने बयान भी दिया था कि गुटबाजी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी किरण चौधरी ने इनके खिलाफ, करण दलाल, कुलदीप और इन्होंने किरण चौधरी के खिलाफ बयान दिए, तो ये तो कांग्रेस तो पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा ये कांग्रेस। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े। वीर कुमार यादव जी, आप भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। महेश जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और चर्चा हमने पूरे इस विषय को लेकर की, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि अगर इसी तरह से बयानबाजी हावी रही तो आने वाले दिनों में ये जरूर कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, जो पिछले कुछ एक दिनों में हमने देखी भी थी। अब ऐसे में क्या संज्ञान लिया जाता है इस तरह के बयानों को लेकर, वो आने वाले दिनों में जरूर देखना होगा। फिलहाल स्पेशल एज 11 में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। Tak.